तो स्वागत है किन्तु फाइव की वीडियो पर। इस वीडियो में खेलने जा रहे हैं F1 2021 माई टीम करियर मोड, और हमारी रेस है अब इमोला सर्किट दे इमोला इटली। और यहाँ पे पहले स्पॉन्सर रिन्यूअल आ गया है वापस से, इसलिए PSD और यूटर पी का, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम रिन्यू स्पॉन्सर कर सकते हैं आई थिंक। या अब मैनेज स्पॉन्सर में करके देखता हूँ, क्या पता कुछ अच्छे स्पॉन्सर आए तो उनको हम देखते हैं, तो चेकआउट करते हैं पहले। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपने स्पॉन्सर मैनेज किए हैं और सिर्फ एक चेंज किया है, PSD की जगह हमने एशियाटिक डायनेमिक्स को साइन किया है। और ये गलती से साइन हुआ, मैं सब सही बताऊँ अगर तुम्हें, बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ तुम्हें। मैं सिर्फ चेक कर रहा था, गलती से मेरा हाथ एंटर पर दब गया और ये भाई साहब आ गए हैं हमारे उस पर। मैं चेक कर रहा था, मैंने PSD को ये नहीं करा, मैं सिर्फ सबको हमने वापस लाया, यूथेरेपी को अभी हमने वापस लाया, स्लेब को भी हम वापस लाया, क्योंकि इतने बढ़िया स्पॉन्सर नहीं है कहीं और। और हम PSD को भी वापस ला रहे थे, ला नहीं रहे थे, हम चेक कर रहे थे PSD को अगर चेंज कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन एशियाटिक डायनेमिक्स पे जैसे ही हमारा हाथ पहुंचा, अपने आप मैं पता नहीं कैसे वो मैं ऊपर नीचे कर रहा था और एंटर दब गया और ये भाई साहब आ गए हैं। और ये भाई साहब की दिक्कत, मैं बिल्कुल दिक्कत ये है कि हमसे ये मांग रहे हैं कि हमें 20 पॉइंट लाने हैं एक वीकेंड में, मतलब हर रेस में हम 20 पॉइंट ला के दें इनको। अरे भाई, इतना पॉइंट हम ला के दे तो देंगे, हमें हर रेस जीतनी पड़ेगी, कैसे ला के दे देंगे भाई, फिर भी कौन देता है 20 पॉइंट, कैसे लाऊं मैं, आई डोंट नो। पता नहीं ये गोल अभी की शुरुआतों रेस का तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ला सकते हैं, बट ठीक है। तो अब हमें इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है, तो ठीक है, बट ठीक है, कोई नहीं, अब क्या बोल सकते, किस्मत ही ख़राब है हम लोग, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि नहीं करी गई, इस आई थिंक तुमने करी होगी, कि हमने टीम कलर चेंज नहीं किया था, तो जिस डेफिनेटली अब मैंने टीम कलर भी चेंज किया था, कर दिया है। तुमने देखा होगा कि पिछली रेस में हमारे जो टीम कलर्स थे, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है टीम है, उनके कपड़े वही थे जो पिछले साल थे, वो तो मैं भूल गया था ठीक करना, तो सॉरी। बट यहाँ पे अब ये है नई ड्रेस जो कि ये मैडम जी हमारी पहन के बैठी हैं, तो ये हमारी नई ड्रेस। सो बाकी हम और भी दिखा देते हैं तुम लोगों को, एयरडाइनिक्स वाले कैसे पहन के बैठे हैं। ये तो कार अंदर, और ये कार तुम देख सकते हो, यहाँ पे विंटर रन में काम चल रहा है, आवर टन ये देख सकते हो, अब ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मिक्सर है और यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी पे सस्पेंशन चेक कर रहे हैं, आई थिंक कार को चेक कर रहे हैं, झटके गिरना झेल सकती है, चेसिस पे यहाँ पे काम चलता हुआ, काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट यहाँ पे हमारी काम कर रही, पूरी मेहनत कर रही है। बट आगे चलते हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मोराल डो है चेसिस का, यहाँ पे उनको हाई कैसे करा जाए। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में है दो चीज़ें, तो आई थिंक ये लेंगे, ओ अच्छी बात है यार ये ले रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, 21% फेलियर चांस है, तो डेफिनेटली हम इसको पुश भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे फेलियर चांस ज़्यादा हो जाते हैं हम, बट हमें ये नेक्स्ट इस रेस के बाद हमें मिल जाएगा, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि चेसी पे बहुत तगड़ा काम करने वाला हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा फोकस ही मेरा चेसी पे भाई, चेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर के साथ साथ हमें दूसरी चीज़ें पर भी ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ पे रियर विंग पे भी काम करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें 20% फेलियर चांस है, तो ओके तो आप भी तैयार रहिए। अब हम ड्यूरेबिलिटी पे चलते हैं, क्योंकि हमारा पावर टर्न बहुत मजबूत है, इसलिए मैं पावर टर्न पे अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो मेरी फेवरेट चीज़ है, बट अभी बाकी सबको हमारी जरूरत है। बट इनकी डिपार्टमेंट कैपेसिटी उतनी फुल नहीं है, तो हम इनकी डिपार्टमेंट कैपेसिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। कहाँ हो भाई साहब आप, अब तो यहाँ आओ। तो गाइस यहाँ पे अब हम इनकी थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी की हम थोड़ा सा इनका अपग्रेड कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी दो दो चीज़ें कर पाएंगे फिर, तो यस आप हो जाइए, आप बहुत रुपए लगे हैं, बट ठीक है रुपए लगाएंगे जब भी आप इम्प्रूव होगी हमारी चीज़ें। बट यहाँ पे अभी चलते हैं एक्टिविटीज़ पे, तो एक्टिविटीज़ पे क्या हो रहा है जल्दी से नज़र में आता है। हमारे पास कितने फ्री डेज हैं, 16 फ्री डेज हैं हमारे पास, तो सब यूज़ कर सकते हैं हम। वैसे चेसी तो सबसे पहले रखूँगा मैं अब, और उसके बाद एक और चेसी, ओके वैसे सभी हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो सेकंड ड्राइवर को भी हमें फोकस करना है, फर्स्ट एड फिल्मी सब हो जाएंगे यार, ये देखो तुम लोग, और यहाँ पे अब कितने, अरे ये देखो आराम से सब कुछ हो गया, दिन खाली रह गए बताओ। बाकी अब R&D पर चलते हैं, तो पॉइंट्स यहाँ पे आप क्या ले रहे हो तुम, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं लेगा, ये अभी थोड़ा वो करेंगे,
नहीं अभी नहीं लेगा ये, नेक्स्ट रेस आई थिंक ये देंगे। तो पावर टन का एक लिया हमारा, और हमारी सिर्फ सेकंड बेस्ट कार है भाई पावर में, तुम देख सकते हो गाइस ग्राफ में, मर्सिडीज के बाद हमारी कार आती है, तो और बेहतर हो जाओ। बाकी अब इतने पॉइंट्स पर जाके ले जाते हैं हम, इतना क्या ही करेंगे, और काफ़ी अपग्रेड्स हमें मिलेंगे इस रेस में। आई थिंक रेस कौन सी तारीख को है, 15 तारीख को है, तो देखते हैं 15, यहाँ पे फर्स्ट टू सेकंड 14th, खाली एक, हाँ ये जो सबसे चैसी वाला जो सबसे लास्ट वाला वही नहीं मिल रहा, बाकी सब हमें अपग्रेड्स अगर हो जाते हैं कंप्लीट सही टाइम पे, मतलब फेल नहीं होते तो हमें सब मिल जाएंगे, और काफ़ी मजबूत कार करके जाएंगे हम। तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे अभी तो किसी ने फर्स्ट ही रेस का ग्राफ दिखाएगा, तो सेकंड रेस का देखेंगे कैसा हो ग्राफ। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं सीधे इमोला इटली, बढ़िया ट्रैक है यार इमोला, वहाँ पहली बार हम वैसे माई टीम करियर मोड में इमोला पे जा रहे हैं ना, वैसे तो गेम प्ले ही डाला था मैंने, तो लेट्स गो। I know we were expecting some new developments to come through, फेल हो but गया some of them have failed quality हे control. भगवान, We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. क्यों फेल करते हो भाई इतना तुम, भाई साहब मेरा, अरे यार पता, आई होप Okay, कि बड़ा now this is an interesting one. बड़ा फेलियर ना हुआ हो कोई जो इम्पोर्टेंट हो हमारी कार के लिए, बट यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे एक मूवी स्टार हैं और उनका नाम है क्ले डोनोवन, तो हम उन यहाँ पे वही है हमारे पास है कि हम उनको बुलाएंगे तो हमारा थोड़ा सा वो पड़ेगा, अपकमिंग प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प मिलेगी और थोड़े से मतलब फैन बेस बढ़ सकता है, तो ट्रैक के टूर फैक्ट्री कर सक करेंगे, वो मांग रहे हैं परमिशन, तो हम वही एक्सपेक्ट करना है कि वही करना है, एक्सेप्ट करना है कि डेक्लाइन, तो Handled डेफिनेटली that यार well. इसमें क्या पूछने Thank की you. बात है, इसमें कोई पूछने की बात है। बाकी मैं देखता हूँ क्या फेल हुआ है, ओहो सबका मोरल डाउन हो गया, बहुत बढ़िया काम, तो क्या हो क्या रहा है भाई, तो हो क्या रहा है ये, ऐसा नहीं चलेगा सबका, तीनों को तीनों ऐसे काम कैसे करेगा भाई। यहाँ पे इसी में फेल हुआ, ये देखो गाइस डेवलपमेंट फेल्ड, तो यहाँ पे अब हमने कर दिया वापस से, तो ये अब नेक्स्ट ही रेस में मिलेगा, तो चलते हैं वापस से। I know we were expecting some new developments to come through, ये कितने फील but करता है some of ये, them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. तो गाइस यहाँ पे थोड़े और अपग्रेड्स फेल हुए हैं, पता नहीं कितने कौन कौन से हुए हैं, बट हुए होंगे तो बताऊंगा मैं आगे, और हुए हैं मेरे ख्याल से छोटे मोटे से, मैं आई थिंक उतना बड़ा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, बट आई होप कि सारे ना हुए हों, कुछ तो हमें मिले अपग्रेड, तो चलते हैं गाइस इमोला, आई होप अच्छे रिजल्ट आएंगे, और तुम लोगों की बेस्ट विशेस तो हैं, तो कम ऑन लेट्स गो। गाइस यहाँ पे ट्रैक पे आ चुके हैं हम क्वालिफाइंग द मारने के लिए इमोला के ट्रैक पे, इटली, और काफ़ी बढ़िया ट्रैक लगता है ये, और है भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक लगता है, क्या है ही बहुत ही बढ़िया ट्रैक है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वालिफाइंग लैप स्टार्ट हो गया, यहाँ पीछे लॉन्च स्ट्रोल हो रहा है हमारा, लेकिन ये रेस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट ओवरटेक ना करें क्योंकि लैप ख़राब हो सकता है उनका भी हमारा भी। और यहाँ पे फाइनल टर्न क्वालिफाइंग लैप के लिए, और देखते हैं कैसा गया है लैप, और Q2 में जा पाए हैं कि नहीं जा पाए हैं, कंप्लीट किया अपना लैप, तो लेट्स गो क्या हुआ है, जा पाए हो रितेश जी या Q2 में, आई थिंक चले तो गए होंगे Q2 में, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे Q2 में कोई दिक्कत होती नहीं उनको ऐसी पड़ी। बट यहाँ पे एक सरप्राइज है गाइस, जेहान दार वाला जी भी आ गए हमारे साथ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जेहान दार वाला जी आए हैं Q2 में, और दोनों गेम्स ऑन फायर रेसिंग के ड्राइवर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मजा आने वाला है Q2 में अब तो, ओहो बहुत ही बढ़िया इस बात है हमारे टीम में टीम्स के लिए, और यहाँ पे पीटी से बाहर निकल चुके हैं रितेश जी यूट्यूब का लैप, और यहाँ पे स्लो डाउन करते हुए क्योंकि आगे वाली कार थोड़ा आगे चले जाए तो दिक्कत ना हो,
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वापस से अपनी पूरी ताकत के साथ मारेंगे एक और लैब, और आई होप कि अच्छा लैब मारें, Q3 में जा पाए वो। यहाँ पे मेरे ख्याल से अल्फाइन आगे जा रही है, आई थिंक रसल है, बट यहाँ पे वाइट चले गए। और यार हल्का सा वाइट वहाँ पर, और बम्पर जो है ब्रेकर जैसे वहाँ पे जो ट्रैक के ऑफ रन ऑफ एरिया में बने होते हैं उस पर चले गए। और यहाँ पे इमोला में काफ़ी यार ये बम्पर्स टाइप हैं तो संभाल के रहना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लॉस्ट हुआ होगा मेरे ख्याल से। देखना पड़ेगा कि क्या Q3 में जा पाए कि नहीं जा पाए, क्योंकि बिल्कुल यार वहाँ उसके ऊपर जाने से टाइम तो लॉस्ट होता ही है यार। शिट, क्या इतना लॉस्ट हुआ है Q3 में, अरे यार जी नहीं जा पाए हैं Q3 में। और यहाँ पे एक 9600 सिर्फ इतने टाइम से बाहर हो गए, और जहानदार और जी 16 पे ही रहे, बट ठीक है दोनों गेम्स ऑन फायर रेसिंग के ड्राइवर्स से फर्स्ट टाइम Q2 में दोनों एक साथ आए तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमारे पॉजिटिव बात है ये। बट कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लैप अच्छा होता तो चले जाते हैं Q3 में। Internazionale Enzo Edino Ferrari. The clue's in the name. This is very much Ferrari home turf, and the locals will be out in force today to support their team in what we hope will be a magnificent spectacle of motorsport. On then to the Emilia-Romagna Grand Prix, a lap of Imola. Anti-clockwise, of course, unlike most of the Formula One circuits, will take our drivers around 3.1 miles of track. 19 turns, 9 right-handers and 10 left. Drivers will need to be precise at the hairpin at turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Verstappen, Daniel Ricciardo, and Leclerc, Sainz, Russell, Singh, and Sebastian Vettel, Ocon, Stroll, Yuki Tsunoda, and Perez, Daruvala, Giovinazzi, Kimi Raikkonen and Pierre Gasly. They've taken a grid penalty. Mick Schumacher, Latifi, Joe and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? So guys, yahan pe hum track pe aa gaye hain, aur let's aim to keep the momentum going. Aur definitely hum 9th pe lage hain, I think. तो आई थिंक पैरेज और गाजरी पे पेनल्टी फिर से। और रेस स्टडी चेक करें तो यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड है, लेकिन यहाँ पे सीजन फोरकास्ट में देखो तो बारिश है बहुत जोरों के साथ, 10 मिनट या 12-15 मिनट के अंदर अंदर बारिश आ जाएगी, ये बिल्कुल मैं बता सकता हूँ क्योंकि फोरकास्ट देख के इतना पता चल जाता है कि लास्ट में आएगी शुरुआत में आएगी। तो यहाँ पे शुरुआत में ही बारिश है, शुरुआत में नहीं है बट 10-15 मतलब 5-6 लैप होंगे तो आ जाएगी ऐसा मुझे लगता है, बट देखते हैं। तो अगर आनी है तो पिट स्टॉप से पहले ही है, मैं इतना चाहता हूँ बस, ये नहीं कि पिट स्टॉप भी करा लो फिर उसके बाद आधे इंटर के साथ चले जाते हैं आधे फिर ड्राई के साथ चल रहे हैं, हो जाता काम। स्ट्रेटजी ड्राइविंग में स्ट्रेटजी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे सब कार ग्रेड्स भी लगती हुई और लाइट्स ऑफ होने वाली हैं बस गाइस, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स ऑन हो रही है गाइस, 5 लाइट इज ऑन एंड इज लाइट्स ऑफ एंड भाई भी क्या यहाँ पे बेहतर स्टार्ट किया है, नहीं यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्ट किया, यहाँ पे बड़े ही कम सबस्ट्रेन बैटल, वाओ व्हाट ए मूव क्या ही बढ़िया यहाँ पे स्टार्ट किया बैटल ने, और क्या ही आंख लगभग पलक झपकते यहाँ पे आगे निकल के बैटल, यहाँ पे रसल को चैलेंज देते हुए, यहाँ पे रसल को क्या पीछे छोड़ पाएंगे बैटल देखना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल इस बैटल इज डन, यहाँ पे रसल के पीछे यहाँ पे आ रहे हैं रितेश और रितेश विल टू बिल, यहाँ पे रसल और रितेश होते हुए इनसाइड में होंगे रितेश, लेकिन यहाँ पे नहीं आगे निकल पाए क्योंकि वहाँ पे ऐसा मोड़ नहीं है कि आपको इनसाइड में जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ के मोड़ पे आप भरोसा मत कीजिए कि आप इनसाइड से आगे निकल जाएंगे क्योंकि इस ट्रैक के मोड़ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आपको आउटसाइड में रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे वापस से आई थिंक बैटल वहाँ पे चैलेंज करते हुए रसल को, क्या यहाँ पे रसल नहीं, यहाँ पे रसल अपने आपको डिफेंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा वाइड गए वहाँ पे रितेश सिंह, बट इतना भी वाइड नहीं कि जिससे कोई नुकसान है यहाँ पे,
बट यहाँ पे ओ यहाँ पे बैटल आगे निकल गया, वाओ व्हाट ए मूव फॉर बैटल। बट यहाँ पे फिर से बैठ गए हम प्रीति सिंह, से फर्स्ट लैप में उनको इतना बढ़िया कंट्रोल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा जिग जैक मोड काफ़ी बढ़िया मोड लगता है मेरे को मोड़ने में। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा सोनोडा यहाँ पीछे, हम टॉप 10 में है तो इतना पॉइंट्स में तो अभी तक चल रहे हैं। और सोनोडा के पीछे स्ट्रॉल हैं, जो भी हमारे दोनों हमारे ड्राइवर जो पीछे हैं वो एक सेकंड के अंदर हैं। फास्ट लैप यहाँ पे, और यहाँ पे रिकार्डो आई थिंक स्पीड में, जी हाँ बैटर यहाँ पे आई थिंक चार्ल्स लेक्लेयर को चेंज को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रितेश यहाँ पे डेफिनेटली आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। रसल जी यहाँ पे इनसाइड में होंगे, लेकिन यहाँ पे कि इनसाइड से पहले ही यहाँ पे पीछे छोड़ पाएंगे सीधे पे, नहीं यहाँ पे इनसाइड में है, लेकिन रितेश पापा यहाँ पे रसल होंगे इनसाइड में, लेकिन जी हाँ नहीं हो पाएगा उनको कोई फायदा, और निकल गए यहाँ पे आगे। और फाइनली क्या ही बढ़िया मूव वहाँ पे रितेश के द्वारा है। बट यहाँ पे बैटल नहीं, यहाँ पे इतना भी नहीं, आप इतना गैप दिखता जरूर है इस मोड इन ट्रैक पे, बट इतना आसान नहीं है। इसके मोड बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास एडवांटेज, यहाँ पे कोई आउटसाइड इनसाइड एडवांटेज नहीं है गाइस। हाँ है जिग जैग वाला जो मोड है उस पर है एक आदि, और जो जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं उस पर भी एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे बचा दिया अपने आप को क्योंकि यहाँ पे रसल वापस से ट्राई कर रहे थे अपने रीगेन पोजीशन करने के लिए। यहाँ पे ये वाले मोड हैं जो जहाँ पे अभी हम मुड़ रहे हैं, तो ये वाले मोड हैं जिन पर इनसाइड पे आपको फ़ायदा मिलेगा। बट जो शुरुआती के कुछ मोड हैं टर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, उन पर कुछ इतना एडवांटेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स लेक्लेयर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, टीम मेट से आगे आने की कोशिश यहाँ पे इनसाइड में है, लेकिन चेंज, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बताया था यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता हुआ दोनों के बीच, और फरारी के ड्राइवर्स दोनों ही बेहतरीन ड्राइव करते हुए, और क्या ही यहाँ पे बिल टू बिल रेसिंग हो रही है, डेफिनेटली इनसाइड में वापस से होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था वहाँ पे और बैटल हुई यहाँ पे आई थिंक मेरी का सेंस आगे निकल चुकी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट रितेश और सेंस का, ओ यहाँ पे बच गए, यहाँ पे आई थिंक कुछ डैमेज ना हुआ और रितेश का, सो अच्छी बात है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था इनसाइड और आउटसाइड का कोई एडवांटेज कोई डिसएडवांटेज नहीं है शुरुआती के कुछ जो मोड हैं 6, 5, 6 तक हैं जो लगातार, और यहाँ पे स्टोर यहाँ पे पीछे आ रहे थे लेकिन यहाँ पे हम इनसाइड में तो बच गए। यहाँ पे बोटा सिका से धुआं निकलता हुआ, यस और जी हाँ बिल्कुल बोटा सी है ये, और आई थिंक इनका काम हो गया है, टाटा बाय बाय। जी हाँ यहाँ पे बोटा बाहर हो चुके हैं गाइस, और आई थिंक उन्होंने पहली रेस जीती थी तो उनके लिए थोड़ा सा फिर से एक सदमा टाइप हो सकता है क्योंकि वो अच्छा खासा रेस जीतते हैं फिर वो चैंपियनशिप आ जाते हैं, पता नहीं क्यों उनके लिए, वो तो उनकी किस्मत है हमारी किस्मत देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे सेंज के पीछे लगे हुए हैं, यहाँ पे सेंज के लिए एक यहाँ पे एक ही लैप में पीछे हो गए बेचारे, अच्छा खासा फोर्थ नंबर पे चल रहे थे और फोर्थ से फिफ्थ पे आए और फिफ्थ से सिक्स पे आ गए, और यहाँ पे सेंज चले गए फिट में, ओ आई थिंक कुछ डैमेज हो गया हो क्योंकि कॉन्टैक्ट हुए थे उनके काफ़ी रितेश के साथ भी और लकलेस के साथ बैठे। यहाँ पे सेबास्टियन वेटल ट्राई करते हुए अपने पुराने टीममेट को पीछे छोड़ने की कोशिश, यहाँ पे आई थिंक क्या वहाँ पे छोड़ पाए हैं देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे नहीं छोड़ पाए हैं, लकलेस ने हमला को बचा लिया है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक स्ट्रॉल भी यहाँ पे पीछे कर रहे थे, यहाँ पे रितेश को 0.2 में लगे हुए हैं और DRS भी था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैटल के पास अब आ गए हैं 0.8 में, यहाँ पे DRS होगा और मैक्स वर्स्टैपेन का फास्टेस्ट लैप यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई गाइस कैमरे पे तुम बूंद देख सकते हो स्क्रीन पे खुद ही, और बारिश आती हुई सही अंदाजा लगा था मतलब मैंने 5-6 लैप तक आ जाएगी। ये एक अच्छी बात यह है कि पिट तक तो आई गई है ना, बात खत्म, पिट बस इंटर लग जाएंगे डायरेक्ट, अब वो दिक्कत नहीं आएगी ना कि हाँ भाई पेंट कराओ पहले ड्राई लगवाऊँ कि ओड लगवाऊँ, अब तो मैं इंटर ही लगवाऊँगा भले ही ड्राई वाले हों कंडीशन ना हो, वैसे जब तक आ ही जाएगी मुझे लगता है क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश होनी है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से। बट यहाँ पे बैठ गए थे यहाँ पे देव सिंह पीछे करने की कोशिश में और उसके फ़ायदा उठा रहे थे स्टॉल, लेकिन वहाँ पर जगह मिली नहीं स्टॉल को, और यहाँ पे स्टॉल बिल्कुल पीछे लगे हुए 0.1 में है बिल्कुल, यहाँ पे आगे भी आते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेडल काफ़ी तेज़ है स्पीड में और इनसाइड, लेकिन नहीं बच गए आउटसाइड में इतना क्योंकि गैप नहीं था, और इनसाइड वालों को आप कभी कभी गैप मत दो तो उसको डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज में और डिस पे ही लग जाता है, ऐसा क्यों होता है सर, बट ठीक है यार थोड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पे 0.7 पीछे हैं, यहाँ पे पिट में गए हैं सब, ओ यस यहाँ पे पिट में जाते हुए सारे ड्राइवर्स, आई थिंक टाइम आ गया इंटर्स का गाइज, इसलिए सब ड्राइवर्स आ गए हैं एकदम से पिट में, और देखते हैं अच्छी पिट स्टॉप चाहिए यहाँ पे हमें, तो काफ़ी बढ़िया लगता है वो सारी कार्स एकदम से पिट में आ रही हैं तो। बट यहाँ पे फ्रंट विंग चेंज हमेशा की तरह, सो कॉन्टैक्ट आई थिंक मेरे कैसे डैमेज ज़्यादा हुआ वो चेंज वाले से काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा कॉन्टैक्ट हो गया था, तो डैमेज ठीक है फ्रंट विंग सही करना सही है क्योंकि बारिश वैसे भी हो रही है, पता चलो स्लिप हो गए हम तो वैसे ही काम हो जाएगा, अच्छा खासा अभी हम चल रहे हैं 7वें 8वें नंबर पे।
बट यहाँ पे अभी लॉस भी करी होगी हमने पोजीशन, क्योंकि हमने फ्रंट विंग चेंज किया। यहाँ पे जियो मीनाज जी आई थिंक हमसे आगे चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जियो मीनाज जी हमसे आगे निकल गए हैं इसका फायदा उठाते हुए, और बैटल तो अब आगे निकल जाएंगे यार। और DRS भी नहीं होता एक तो बार इसमें, ये भी बहुत, और स्लिप स्ट्रीम भी नहीं होती है, क्योंकि स्लिप स्ट्रीम काहे की मिलेगी तुम्हें पानी की, मिलती है थोड़ी बहुत मिलती है किसी, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है ना कि अल्फा रोमियो इसमें बेकार चल रही हो, क्योंकि बारिश में कोई भी पड़े बेकार हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि टॉप कार ही टॉप कार होती है, याद है ना तुम लोगों को 2008 इटली सेबास्टियन वेटल पहले रेस जीते थे अपनी, अगर वहाँ पे ऐसा नहीं है टोरो रोसो बहुत ही बढ़िया टीम थी बट फिर भी जीते, और बैटल का वो पहले भाई बैटल था पिछली जीत लिया, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई चांस नहीं मेरे को ऐसा लगा। यहाँ पे लेट ब्रेकिंग फिर से यहाँ पे यार, ये बम्पर्स के ऊपर जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है रितेश जी, आप समझो यहाँ पे फ्रंट विंग वन विंग टूट जाएगा तो काम हो जाएगा, ब्रिज बोर्ड भी टूट जाएगा जब भी काम हो जाएगा, वही बारिश में स्लिप स्लिप वो खुद चली जाएगी हार गाड़ी बाहर। यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा है मैं कैसे इनसाइड, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं लग रहा था मैं वो कि कोशिश करेंगे वहाँ पे, लेकिन नहीं करी यहाँ पे, लेकिन वापस से यहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़िया दिया यहाँ पे, डेफिनेटली एक्सिट बढ़िया किया यहाँ पे कॉर्नर का, और लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज स्पीड यहाँ पे अल्फा रोमियो की बारिश में, तो यहाँ पे जियो मिनाज्जी ने आपको डिफेंड कर लिया, बट वहाँ पीछे यहाँ पे सुनोडा यहाँ पे मिक शूमाकर को पीछे करने की कोशिश करते हुए, और डेफिनेटली इनसाइड में मिक शूमाकर सुनोडा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ दोनों के बीच, फिर से सुनोडा का रियर टायर और फ्रंट टायर शूमाकर का टकराया, और जी हाँ सुनोडा वहाँ पे आगे निकल गया लेकिन फाइनली, बट यहाँ पे अब रितेश सिंह जियो मिनाज्जी के पीछे अलग है हुए, यहाँ पे आई थिंक पास आ रहे हैं डेफिनेटली स्ट्रेट पे आ रहे हैं, लेकिन मोड खत्म होने वाला है, यहाँ पे कोई चांस लेंगे रितेश सिंह बिल्कुल लेंगे यहाँ पे इनसाइड, और लेट ब्रेकिंग ट्राई करते हुए लगे यहाँ पे इनसाइड में होंगे जियो मिनाज्जी, क्या लिखा कर निकल पाएंगे रितेश सिंह, जी हाँ बिल्कुल निकल गए हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया मूव वहाँ पे, क्या ही बारिश में ऐसे मूव बहुत ही बढ़िया लगते हैं, क्योंकि बारिश में ऐसे मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट एक तो ये माइक मिक शूमाकर का मेरा को नाम इतना याद ही नहीं रहता माइकल शूमाकर के चक्कर में, जब शूमाकर मेरे को बोलना होता वैसे माइकल शूमाकर निकलने लगता है तो यार माइकल शूमाकर क्योंकि माइकल शूमाकर है ना, और यहाँ पे लोग इंस्ट्रो बाहर जाते हुए बहुत बढ़िया, क्या ही बात है, आई थिंक कुछ हुआ होगा या ये ऐसे चले गए, बारिश में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो सरप्राइज वाली बात नहीं है यहाँ पे, और उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ होगा बेचारे का, काफ़ी कार से पीछे हो गए होंगे, देखो स्पिन होना तो बहुत ही भारी पड़ता है वो भाई, या तो पीछे वाली कार इतना पीछे होगी तुम आप स्पिन भी हो जाओ ऊपर से बाहर भी आ जाओ ट्रैक से तो बहुत ही बढ़िया होता है, बट ऐसा होता नहीं है इतने शुरुआती लैप में और ऊपर से बारिश में। बट यहाँ पर रितेश सिंह चेस करते हुए यहाँ पे सेबास्टियन वेटल को, बट वहाँ पे चेस हो नहीं रहा क्योंकि धीरे धीरे टाइम ऑस्टन मार्टिन काफ़ी अच्छे पेस पे है हमसे अच्छा पेस है यार उसका, और बारिश में वैसे भी कोई वो नहीं होता है कि क्या ही बारिश में वैसे काहे की एडवांटेज मिलेगी, ड्राई टायर में कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे आई थिंक पैरेज और दारू वाला यहाँ पे लड़ते हुए यहाँ पे पैरेज पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दारू वाला को, नहीं दारू वाला ने अपने आपको डिफेंड कर लिया, दारू वाला क्या ही बढ़िया रेसिंग कर रहे हैं इस रेस में, वो क्वालिफाइंग उन्होंने बढ़िया किया था और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रेसिंग करते हैं यहाँ पे, लेकिन अल्फाइन ने यहाँ पे आगे निकलती हुई ज्ञान जो से, और डेफिनेटली यहाँ पे फाइनली वहाँ पे एस्टेबन ओकन थे, और क्या ही बढ़िया मूव वहाँ पे रितेश सिंह जैसा था एक मूव, और उनसे भी काफ़ी बढ़िया था क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी हुआ हल्के से और काफ़ी बढ़िया लड़ाई के बाद वो आपके निकल गए, और यहाँ पे रितेश सिंह वापस से पिट में जाते हुए आई थिंक वेट टायर्स कंडीशन, हाँ यस यहाँ पे वेट टायर लगवाने जा रहे हैं वो, और ये गैम्बल भी हो सकता है कि पता चले बाकी नहीं लगवाए, बट देखना पड़ेगा बाकी लगवाएंगे आई थिंक, क्योंकि बारिश तेज थी बीच में और लगवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रितेश सिंह तो जा चुके हैं सबसे पहले वेट टायर्स के लिए, यस यहाँ फ्रंट व्हील चेंज नहीं हुआ ये अच्छी बात है, गो गो हाँ बहुत बढ़िया, फाइनली यहाँ पे बट्टास लग चुके हैं गाइज, और थोड़ा सा पेस अप गिर जाएगा इंटर और बैट में अंतर होता है यार, और यस यहाँ पे अब हम सबसे पीछे नहीं है बट 18 नंबर पे आ गए हम, ओहो काफ़ी पीछे आ गए हम, अगर वो लोग कहीं नहीं गए तो पिट में पता नहीं क्या होगा, फिर रशिया वाला रिपीट होगा और कुछ नहीं होगा, बट देखना पड़ेगा यहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहाँ पर रिकार्डो हमसे आगे चल रहे हैं उनसे आगे दरवाला है, और रिकार्डो यहाँ पर दरवाला को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ पर इनसाइड में होंगे दरवाला, क्या यहाँ पर रिकार्डो पीछे छोड़ पाएंगे क्योंकि इनसाइड में वापस से यहाँ पर रिकार्डो, लेकिन यहाँ पर वापस बचा लिया अपने आपको दारू का दरवाला ने, और क्या ही बढ़िया यहाँ पे हमारे टीममेट अपने आपको डिफेंड करते हुए, लेकिन यहाँ वापस रिकार्डो उनको चैलेंज करने की कोशिश करते हुए वापस उसी टर्न पे, और यहाँ पे फाइनली मेरे ख्याल से रिकार्डो इज डन इट, नहीं यहाँ पे वापस दरवाला आते हुए इनसाइड में दरवाला, ओ वाओ व्हाट ए मूव व्हाट ए मूव दरवाला के द्वारा, लेकिन यहाँ मैक्लेरन की इंजन पावर की वजह से फाइनली वो वहाँ पे पीछे हो गए रिकार्डो से, बट काफ़ी वहाँ पे बढ़िया टक्कर देते हुए रिकार्डो को, और मेरे को काफ़ी मजा आता हुआ
क्योंकि ऐसे दारू वाला अगर हमको मिल जाए ना सारी रेसों में तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप कि वो बहुत जल्द पॉइंट्स में दिखेंगे हमको, और क्या पता इसी रेस में दिख जाए, क्योंकि अभी गेम्बल खेला नहीं, अच्छा उन्होंने नहीं खेला, मैंने खेला है। ये ऐसा होना चाहिए ना कि पूरी टीम की स्ट्रेटजी मैं ही सिलेक्ट करूँ, मतलब कि मतलब दारू वाला को लगवाने कि नहीं लगवाने ये भी हमारे हाथ में आना होना चाहिए ना, क्योंकि हम अपने टीममेट्स को भी बढ़िया कर सकते हैं यार, ऐसा थोड़ा होना चाहिए नेक्स्ट गेम में। तो ये स्पोर्ट्स अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा नेक्स्ट गेम में लाएँ कि अपने टीममेट का ही फिर स्टॉम आप खुद ही सेलेक्ट करें। पर यहाँ पे चेंज हमारे पीछे लगे हुए हैं काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राइकनन को चैलेंज करते हुए यहाँ पे पहले जिन साइड में होंगे डेफिनेटली यहाँ पे वाइड में जाते हुए राइकनन, और राइकनन से आगे निकल के रिकार्डो भी, वाओ क्या यहाँ पे रिकार्डो राइकनन के लिए बुरा टर्न था, ये बहुत ही बुरा लैब रिकार्डो के लिए कि एक ही टर्न पे दो ओवरटेक हो गए उसको आगे करने के पीछे हो गए दो जनों से, और राइकनन काफ़ी पीछे हो गए और आई थिंक वो 14वें पे चल रहे थे और 16वें पे आ गए और काफ़ी बेकार उनके लिए हुआ ये सब। और यहाँ पर राइकनन जा चुके हैं पिट में, वो पिट में गए काफ़ी लोग गाइस, और यहाँ पर पेरिस रिकार्डो चेंज हमारे पीछे हैं 0.5 में, और दारू वाला हमसे आगे हैं 0.5 में, तो तीनों कार्स बराबर चलती हुई आगे पीछे। बट यहाँ पर रिते सिंह वापस ट्राई करने की कोशिश, इससे पीछे करने की कोशिश, सॉरी ट्राई करने की कोशिश जो ट्राई क्या पीछे करने के लिए ट्राई कर रहे थे सॉरी बट यहाँ पे काफ़ी पार्ट चले गए वापस से, और चेंज का उसका फ़ायदा मिला, और चेंज यहाँ पे पीछे नहीं बचा दिया अपने आपको, डिफेंड करा वहाँ पे बढ़िया। यहाँ पे जिग जैग क्यों कर रहे हैं भाई, भाई बारिश में जिग जैग मत करो, बोटास और रसल वाला काम हो जाएगा, इसी ट्रैक पे हुआ था वो, इसी साल हुआ था गाइस, जब तुम लोगों को याद होगा तो बता रहा मेरे को, इसी यही ट्रैक था ना, हाँ टर्न वन पे रसल ने ठोक दी थी पोटास को, फिर दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छा बड़े इज्जत दे रहे थे। और यहाँ पे चेंज जा चुके हैं पिट में, काफ़ी लोग गए पिट में, और कौन सुमास्कर और जियो मिनाजी भी, बट दारू वाला जी अभी तक नहीं गए, लटीफी भी यहाँ पे नहीं गए, तो दारू वाला जी अगर नहीं जाते हैं तो पॉइंट्स में आ जाएंगे, तो मैं तो चाहता हूँ नहीं जाए, मैं डिफेंड कर लूँगा। चलो दारू वाला जी आप चलिए हमारे आगे चलिए, हम आपको डिफेंड करते हैं आज पीछे से, बट मैं खुद को कर पाऊँगा, ये भी एक सवाल है ना, इतना बढ़िया डिफेंडर भी नहीं हूँ मैं ठीक है। यहाँ पर रितेश सिंह मुझे लगता खुद ही आगे निकलना चाहता हूँ उनसे, और बिल्कुल यहाँ पे आगे निकलना चाहिए अगर वो पीछे छोड़ सकते हैं आगे वालों को, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्योंकि स्लो पेस है यहाँ पे इंटरमीडिएट से, और यहाँ पे मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट की अब यहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारिश तेज हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पे दारू वाला जी भी जा चुके हैं पिट में, सोनोडा लटीफी भी जा चुके हैं वहाँ पे पिट में, और यहाँ पे बैटल के पीछे हम आ गए हैं वापस से, और बैटल हमसे आगे हैं 17 सेकंड आगे हैं, ओ भाई साहब क्या ही आगे निकल गए, जब तक बहुत ही आगे निकल गए वो, तो यहाँ पे हम 7वें नंबर पे चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे तुम बारिश की आवाज़ सुनो यार, पानी कार और पानी की आवाज़ कितनी बढ़िया लग रही दोनों के एक साथ, और फाइनली ये क्या फाइनली मैंने फाइनली ये बोला था कि बट जियो मिनाजी हमारा पास आ रहे हैं, तो फाइनली ये नहीं बोला था कि सेफ्टी कार एकदम से आ जाएगी चौंकाने के लिए, बट ये सेफ्टी कार काहे के लिए आई है भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे सेफ्टी कार सही में मुझे कोई खबर ही नहीं क्यों आई है फिर सेफ्टी कार यहाँ पे, और ये राइकुनन जी की कार यहाँ पे खराब होती हुई जी हाँ, लेकिन ये सेफ्टी कार के बीच में खराब हुए हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस कि ये सेफ्टी कार इनकी वजह से आई है, क्योंकि ये सेफ्टी कार के बीच में इनकी कार खराब हुई है, तो वहाँ पे राइकुनन जी भी बाहर हो चुके हैं इस रेस से, बट यहाँ पे सेफ्टी कार आई थिंक बारिश बहुत तेज़ हो गई है शायद उसलिए आई हो, क्या पता इसमें गेम में ऐसा भी है, तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, अगर बारिश तेज़ हो जाती तो उसमें सेफ्टी कार आती बहुत ही बढ़िया, अभी तो मेरे को बहुत ही खुशी है कि अगर इन्होंने ऐसा ही इस गेम को बनाया है कि बारिश तेज होने पर सेफ्टी कार आ जाती है, लेकिन रेड फ्लैग कच्चा होता है शुरुआत करते, बट ठीक है यहाँ पे वापस जा रही है सेफ्टी कार गाइस, और यहाँ पे रेसिंग वापस से शुरू होती हुई जी हाँ, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग हो गए वापस से, और यहाँ पे लुईस हैमिल्टन बस स्टॉप है वहाँ पे उनके पीछे चल रहे हैं, और बस स्टॉप के पीछे एक दो मैक्लारेंस हैं, और दो मैक्लारेंस आई थिंक यहाँ पे पॉइंट जाते हुए फिर से यहाँ पे रितेश सिंह यहाँ पे क्या कर रहे हैं बार बार बंपर पे जाते हैं, बट ये भी ये क्या यहाँ पे सारी कर दी एकदम से रुक गए वहाँ पे पीछे, और यहाँ पे सार लग रहा है रितेश सिंह ने उसका फ़ायदा उठा के, और यहाँ पे पहले यहाँ पे लैप रेसर हैं यहाँ पे रिप्ले देखते हैं गाइस यहाँ पे, ओ एक काम एक मुझे पता चला यहाँ पे रिकार्डो और पेरेज यहाँ पे लैप कार थी जिस वजह से उन्होंने अपने आप को स्लो डाउन किया, जिसकी वजह से उनकी पीछे जो भी कार थी सब उनके आके ठुक गई, और पेरेज और लेकलेस और रितेश सिंह यहाँ पे पहले से फाइट थे तो उनको फ़ायदा मिला इस वजह क्योंकि उनकी लाइन में नहीं थे,
और इस वजह से वो आगे निकल गए इन सबसे। और ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि सिर्फ दो ही लैप बचे हैं अब इस रेस के बाद, और ये DRS तो मिलने वाला बचा भी नहीं है किसी को, तो हम पीछे हो जाएंगे। पीछे हो भी सकते हैं वैसे बारिश में, और यहाँ पर लग रहा है हम अगर हम पीछे करते तो काफ़ी बढ़िया पोजिशन पर आ जाएंगे। पाँचवें नंबर पर चल रहे हैं हम गाइस, और ये काफ़ी ये पता नहीं कैसे उन्होंने लैप कार से पता नहीं कैसी साइड दी, वो बेचारे सब पीछे आकर ठुक गए उसमें, और सब एकदम स्लो डाउन हो गए। और रेस वहाँ पर वाइड में थे क्योंकि वाइड चले गए थे कॉर्नर पर पहले से, और उनको दिखा कि गैप है तो निकल जाओ, इसमें बुरा क्या है, और इसमें कुछ बुरा नहीं था तो डेफिनेटली इसमें हम कोई ये तो लैप कार की वजह से हुआ, इसमें तो फ़ायदा लेक्लेस और नितेश सिंह का हुआ है, और डेफिनेटली हमारा तो फ़ायदा हुआ है, हमें नहीं पता भाई, हमारे हमने तो बोला नहीं पहले उनको, पता नहीं कैसे स्लो डाउन करी उन्होंने। और ये होता है यार सेफ्टी कार में जब बीच में वो होती है ना लैप कार्स, तो काफ़ी बेकार लगता है। इसमें ये वाला रूल अभी तक नहीं आया कि लैप कार्स को आगे निकाल दिया जाए, जैसे रियल में होता है कि लैप कार्स को आगे निकाल दिया जाता है सेफ्टी कार से, तो ये वाला रूल नहीं आया। आई थिंक नेक्स्ट गेम्स में हमें मिलेगा तो अच्छा होगा, बट यहाँ पे हमारे लिए तो अभी तो ये अच्छा हुआ इस रूल की वजह से कि नहीं आया कि हम आगे आ गए पाँचवें नंबर पे। अब फाइनल लैप चल रहा है गाइस ये, और कुछ ही टर्न्स रह गए यहाँ पे फिनिश करके फिफ्थ पे, पहली बार इस सीजन में मतलब अच्छी है, वैसे तो हमारा थर्ड बेस्ट है फिनिश, तो ऐसा नहीं है, पहली बार कहीं फिफ्थ पे आ रहे हैं, मतलब अच्छे पॉइंट्स में आ रहे हैं और अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा हुआ। और यहाँ पे लुईस हैमिल्टन फाइनल एक और रेस जीत गया, यहाँ पे लुईस हैमिल्टन एक और नहीं यहाँ पे फर्स्ट रेस जीते हुए इस सीजन की। और जी हाँ लवली रेस उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे रितेश सिंह ने भी यहाँ पे कर दिया है टेक से चेकर्ड फ्लैग, और फाइनली यहाँ पे गाइस यस यहाँ पे हम फिफ्थ पे फिनिश किया है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारी रितेश सिंह की तरफ से। और यहाँ पे ड्राइवर ऑफ द डे है एंटोनियो जिमिनाज़ी, अरे हमको बनाया नहीं यार, लगता है उनको पता चल गया कि बंदा ऐसे निकल गया फ्री में। लुईस हैमिल्टन अपनी पहले जीत चुके हैं इस सीजन की गाइस, कांग्रेचुलेशंस मर्सिडीज को, दूसरे रेस जीतते हुए लगातार। How do you think they were able to set themselves apart today? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. और यहाँ पे रिजल्ट्स की नजर मारे तो गाइस लुईस हैमिल्टन फर्स्ट पे, मैक्स वर्स्टापन सेकंड पे, और थर्ड पे नंदन नॉरिस, और यहाँ पे फिफ्थ पे हम आए और रितेश सिंह आए, और डेफिनेट 10 पॉइंट हमें मिलेगा। जयन नरोल जी यहाँ पे तेरे नंबर पर काफ़ी बड़े रिजल्ट उनकी तरफ से, और यहाँ पे 2 फिन्स यहाँ पे बाहर हुए कि मेरा एक नाना बोटा ही बोटा दोनों का इंजन की वजह से बाहर हुए वो। और यहाँ पे स्टैंडिंग में नजर मारा लुईस हैमिल्टन फर्स्ट पे बने हुए, सेकंड पे बोटा, थर्ड पे नंदन नॉरिस, सेवंथ पे रितेश सिंह है, और टीम्स में नजर मारा तो मैकलरन सेकंड पे, और फर्स्ट पे मर्सिडीज है, थर्ड पे रेड बुल, अल्फाइन फोर्थ पे, आर्गेंसन फायर फिफ्थ पे, फरारी सिक्स पे, अल्फा थ्रोई सेवंथ पे, एट्थ पे अल्फा रोमियो, नाइन्थ पे ऑस्टन मार्टिन, टेंथ पे विलियम्स, इलेवंथ पे हास, और हास और विलियम्स 0 पॉइंट से। इंटरव्यू देखते हैं गाइस। Your team must be ecstatic with how you're performing. Did you feel comfortable in the wet weather today? Your teammates seem to struggle this weekend. Is there any cause for concern for the team? Great. Well, that's everything. तो यहाँ पे गाइस इंटरव्यू हो समाप्त, और डेफिनेटली आई होप गाइस तुम लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो क्योंकि काफ़ी मज़ा आया इस रेस में, और बारिश तो थी बट उसके बाद हमारे ड्राइवर्स ने, दोनों ड्राइवर्स ने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिया। रितेश सिंह ने 10 पॉइंट्स वहाँ पे लाए, वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, बट वहाँ पे पैरेज और रिकार्डो के चलते वहाँ पे हमें काफ़ी मदद मिली, और थैंक यू उनको। तो यहाँ पे हम फिफ्थ पे आ पाए, और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट रहा, 10 पॉइंट्स लेके आए हम अपनी टीम के लिए। और अगर तुम लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को प्लीज़, और बेल आइकन दबाओ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऐसी आएंगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, और बेस्ट मोमेंट बताओ इस वीडियो को तुम्हें सबसे अच्छा मोमेंट्स क्या लगा। और इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।